इस वीडियो का मकसद केवल दवाइयों की जानकारी देना है। अपने डॉक्टर की सलाह के बिना कभी भी कोई दवा न लें और ये वीडियो पूरा देखें, क्योंकि दवाइयों की आधी अधूरी जानकारी घातक होती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित रंगलानी, स्टूडेंट ऑफ बीफॉर्म फाइनल ईयर। इस वीडियो में मैं आपको लेफोटेरिन टेबलेट के बारे में बताऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। लेफोटेरिन टैबलेट HA2 एंटीहिस्टामिनिक क्लास की मेडिसिन है, जिसका इस्तेमाल हाइपर एसिडिटी, हर्टबर्न, गैस्ट्रोइसोफेगियल रिफ्लक्स डिजीज और पेप्टिक अल्सर जैसी कंडीशंस के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा गैस्ट्रिक इरिटेशन करने वाली मेडिसिन जैसे कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स और ओरल स्टेरॉयड्स के साथ भी लेफोटेरिन टैबलेट का सेवन किया जाता है। अब जानते हैं लेफोटेरिन टैबलेट कैसे काम करती है। लेफोटेरिन HA2 ब्लॉकर ड्रग है, जो पेट में बनने वाले एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल केमिकल मैसेंजर हिस्टामिन को HA2 रिसेप्टर में बाइंड होने से रोकता है। इस प्रकार लेफोटेरिन पेट में बनने वाले एसिड को कम करके गैस्ट्रिक एसिड से रिलेटेड इंडाइजेशन, हर्टबर्न, एसिडिटी और अन्य प्रॉब्लम्स को दूर करने में मदद करता है। अब जानते हैं लेफोटेरिन टैबलेट से होने वाले साइड इफेक्ट्स के बारे में। लेफोटेरिन टैबलेट के सेवन से कुछ पेशेंट्स में स्लीपीनेस, हेडेक, टायर्डनेस, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया जैसे कॉमन साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। अगर आपको लेफोटेरिन टैबलेट लेने से कोई सीवियर साइड इफेक्ट्स दिखे, तो आप इस दवा का सेवन करना बंद करें और अपने डॉक्टर से मिले फर्दर ट्रीटमेंट के लिए। अब जानते हैं किन किन लोगों को लेफोटेरिन टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए। एल्कोहलिक, प्रेग्नेंट, ब्रेस्ट फीडिंग, किडनी और लीवर डिजीज वाले पेशेंट को डॉक्टर की सलाह के बिना लेफोटेरिन टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए। अब जानते हैं लेफोटेरिन टैबलेट के डोसेज के बारे में। एडल्ट्स के लिए लेफोटेरिन टैबलेट का रिकमेंडेड डोज 10 मिलीग्राम है, जिसे आप ओरली दिन में दो बार सुबह शाम करके ले सकते हैं। लेफोटेरिन टैबलेट का सेवन आप खाली पेट या भोजन के उपरांत भी कर सकते हैं। अब जानते हैं लेफोटेरिन टैबलेट किन मेडिसिन के साथ इंटरेक्शन कर सकती है। ड्रग इंटरेक्शन का मतलब होता है जब कोई एक मेडिसिन दूसरी मेडिसिन के साथ मिलकर फेवरेबल या अनफेवरेबल रिएक्शन देती है। लेफोटेरिन ड्रग एटाजेनाविर, डेसर्टिनिब, डीलावाडिन, कीटोकोनाजोल और इट्राकोनाजोल जैसी मेडिसिन के साथ इंटरेक्शन कर सकती है। अगर आप इनमें से कोई मेडिसिन ले रहे हो, तो लेफोटेरिन टैबलेट लेने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लें। अब जानते हैं लेफोटेरिन टैबलेट से संबंधित अतिरिक्त जानकारियाँ। अगर आप लेफोटेरिन टैबलेट दिन में एक बार ले रहे हो, तो लेफोटेरिन टैबलेट को सोने से पहले लें, जिससे ये सोते समय पेट में निकलने वाले एसिड को इफेक्टिवली कंट्रोल कर सके। अगर आप एसिडिटी के ट्रीटमेंट के लिए अन्य दवाएं भी ले रहे हो, तो उन्हें लेफोटेरिन टैबलेट लेने से 2 घंटे पहले या बाद में लें। सॉफ्ट ड्रिंक्स, संतरे और नींबू जैसे खट्टे फल लेने से बचें, जो पेट में जलन पैदा कर सकते हैं और ऐसे सीक्रेशन को बढ़ा सकते हैं। 2 हफ्ते तक लेफोटेरिन टैबलेट लेने के बाद भी अगर आप बेहतर महसूस नहीं करते हैं, तो अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करें, क्योंकि आपको दूसरी समस्या भी हो सकती है। अपने डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना लेफोटेरिन टैबलेट लेना बंद ना करें। अब जानते हैं लेफोटेरिन टैबलेट के कुछ पॉपुलर ब्रांड्स के बारे में। लेफोटेरिन टैबलेट के कुछ पॉपुलर ब्रांड्स के नाम हैं लेफेक्सेट टैबलेट बाय जुवेंटस हेल्थ केयर, लेफोटेक टैबलेट बाय यूनिकेम लेबोरेटरीज एसेट्रा। फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही मेडिकल वीडियो देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मोहित रंगलानी फिल्म्स। टिल देन, थैंक यू, जय हिंद एंड वंदे मातरम।